उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने इंडिया गठबंधन पर कटाक्ष किया। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य आज रामपुर पहुंचे। रामपुर पहुंचकर सबसे पहले उन्होंने भारतीय जनता पार्टी कार्यालय पहुंचे, जहां पर भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। उप मुख्यमंत्री ने पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं संग 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर चर्चा की। उसके बाद उप मुख्यमंत्री का काफिला विकास भवन की ओर रवाना हुआ, जहाँ पर विकास कार्यों को लेकर उप मुख्यमंत्री ने अधिकारियों संग बैठक की। वहीं केशव प्रसाद मौर्य ने कहा 2024 लोकसभा चुनाव में रामपुर सहित सभी 80 सीटें जीतकर तीसरी बार मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाएंगे। अखिलेश यादव पर कटाक्ष करते हुए उप मुख्यमंत्री ने कहा, अखिलेश यादव जी फ्रस्ट्रेशन में हैं। मुख्यमंत्री पद से उनको जनता ने दो बार हटा दिया, 2017 में हटाया, 2022 में हटाया। 2047 तक समाजवादी पार्टी का उत्तर प्रदेश की राजनीति में सत्ता में कोई भविष्य नहीं है। आज रामपुर के एक दिवसीय दौरे में सबसे पहले मुझे पार्टी कार्यालय में जाने का मौका मिला। पार्टी के पदाधिकारियों, जनप्रतिनिधियों के साथ विस्तृत संवाद करके जनपद में डबल इंजन सरकार, केंद्र में माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली, प्रदेश में आदरणीय योगी जी के नेतृत्व वाली सरकार के माध्यम से जो गरीब कल्याण के लिए, किसान उत्थान के लिए, महिला सशक्तिकरण के लिए काम किए जा रहे हैं, उनकी धरातल पर स्थिति क्या है इसकी समीक्षा किया, पूछा। और जिले की समीक्षा बैठक में जो फीडबैक कार्यकर्ताओं के माध्यम से मिला है, उसके क्रम में मैंने निर्देश दिया है कि रामपुर जिला क्योंकि ऐतिहासिक जिला है, रामपुर लोकसभा में भी कमल खिला है, रामपुर विधानसभा में भी कमल खिला है। और 2024 में हम लोग रामपुर सहित सभी 80 सीटें लोकसभा की जीत करके माननीय नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनाने के लिए प्रयासरत हैं, और जनता का आशीर्वाद और समर्थन भी हम लोगों को मिल रहा है। हमारा कार्यकर्ता दिन रात परिश्रम भी कर रहा है। अखिलेश यादव जी ने कहा है बनारस में 25,000 अवैध निर्माण है जिनपे भाजपा का संरक्षण प्राप्त है, उनको ढाने के लिए भाजपा के बिल्डोजर में तेल खत्म हो गया है। देखिए श्री अखिलेश यादव जी फ्रस्ट्रेशन में है, वो मुख्यमंत्री पद से उन्हें जनता ने लगातार दूसरी बार हटा दिया, 2017 में हटाया, 2022 में हटाया, अभी 2047 तक समाजवादी पार्टी का उत्तर प्रदेश की राजनीति में सत्ता के इर्द गिर्द कोई भविष्य नहीं है। फ्रस्ट्रेशन में इस प्रकार के बयान, अगर मैंने कहा है ना कि जो जांच चल रही है, पाप का घड़ा जब भरता है और वो फूटता है तो जांच हो रही है, जांच होने पे जो दोषी पाया जाएगा, अगर सरकारी खजाने में जो पैसा होता है, ये निधि भी जो होती है वो विकास निधि होती है, अगर दुरुपयोग होगा उसकी जांच होगी, जो दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, और सरकार कोई वैमनस्यता बस किसी के खिलाफ जांच और कार्रवाई नहीं करती है, लेकिन अगर थोड़ा हाथ डालने से इतने बड़े बड़े भ्रष्टाचार निकल के बाहर आ रहे हैं, तो पूरी जब जांच होगी तो उसकी आज कहां तक जाएगी वो जांच के बाद। सर आरक्षण बिल को लेकर राजद नेता बाबू ने बयान दिया है कि ये बिल जो है महिलाओं के लिए, लिपस्टिक और बॉबकट हेयर के लिए है। देखिए उनकी भाषा में मैं उनको जवाब नहीं दे सकता, लेकिन यह देश महिला सशक्तिकरण की ओर आगे बढ़ चुका है। अगर देश की सीमाओं की रक्षा हमारी बहनें कर रही हैं, देश के फाइटर प्लेन हमारी बहनें उड़ा रही हैं, देश की चिकित्सा सेवा में उनका अभूतपूर्व योगदान है, बिजनेस के क्षेत्र में योगदान है, विज्ञान के क्षेत्र में योगदान है, और अगर वह विधानसभा और लोकसभा में भी विधायक और सांसद बनकर के बैठेगी तो हमारा ये मानना है कि हमारा देश और तीव्र गति से प्रगति करेगा, क्योंकि उनकी भूमिका आधी आबादी की है। और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को इस बात के लिए मैं धन्यवाद दूंगा, बधाई दूंगा कि उन्होंने 33% हमारी मातृशक्ति को लोकसभा और विधानसभा में आरक्षण का बिल पास करा दिया। कर्मा गठबंधन का असर उनके गठबंधन के अंदर ही नहीं है। मैं एक लाइन कहता, 24 घंटे 24 की तैयारी है, एक हमारा नरेंद्र मोदी ठगबंधन पर भारी।